एक आइस डाइटिशियन आज आपके लेकर आ रहा है ओट कुकीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं, सुपर आसान है इनको बनाना, और सबसे अच्छी बात है गाइस वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो बाजार की बिस्किट को एक तरफ डालिए और इन कुकीज़ को बनाइए और ट्राई करिए। इनको हम बनाएंगे एयर फ्रायर और कढ़ाई में दोनों तरीके से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी ओट कुकीज़। तो चलिए गाइस सबसे पहले हमें तैयार करना होगा डो। उसके लिए हमें चाहिए 6 से 7 छोटे बनाना। अगर आप बड़े बनाना ले रहे हैं तो आप 3 बनाना काफ़ी हैं। तो इनको हम छील लेंगे और छीलने के बाद इनको हमें मैश करना है। गाइज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो आप बनाना ले रहे हैं वो अच्छे पके हुए हों। तो जितना अच्छा पका हुआ बनाना होगा कुकीज़ उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो इस तरह से फोक के द्वारा आप इनको अच्छे से मैश कर लीजिए। और मैश करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा से ऐड करेंगे 1 पिंच के करीब नमक, 2 छोटे चम्मच हम डालेंगे दालचीनी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे बारीक कटा हुआ बादाम और 1 बड़ा चम्मच ही हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। तो इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कुकीज़ में। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 TSP नटमेग पाउडर। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम मिक्स करेंगे गाइस ओट्स। तो यहाँ नॉर्मल ओट्स मैंने लिए हैं। तो टोटल 1 कप ओट्स हमें इसमें डालने हैं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ओट का पोर्शन डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो इस तरह से आप सारा ओट्स डालकर इनको इसमें मिक्स कर लीजिए बनाना में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली कलर की किशमिश, बहुत अच्छी लगती है देखने में और टेस्ट भी अच्छा आता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गाइस जैगरी पाउडर। तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें जैगरी पाउडर डाल लीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हाथों के द्वारा एक डो की तरह इसको हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए गाइस जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो डो बनने के बाद अब हम इस डो से कुकीज़ की शेप में बनाकर तैयार करेंगे। तो अच्छे से आप एक बार मैश कर लीजिए और इस तरह से एक पोर्शन लीजिए और इसको एक सर्कल देकर ऊपर से फ्लैट कर दीजिए। तो जो भी शेप आप यहाँ पर बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से गोल शेप दीजिए और ऊपर से प्रेस कर दीजिए और कुकीज़ की जो शेप होती है आप बनाकर इस तरह से तैयार कर लीजिए। तो देखिए जितना भी डो था मैंने सब कुकीज़ जो हैं बनाकर रेडी कर लिए गाइज़। तो अब टर्न है कुकीज़ को बेक करने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एयर फ्रायर में आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने नालसा का एयर फ्रायर लिया है। इसको मैंने कोई प्री हीट नहीं किया है, सिंपल इसको रख दिया है। और रखने के बाद इसका हम सेट करेंगे टेम्परेचर। तो इसमें जो बेक वाला फंक्शन है उसको हम चूज़ करेंगे और 8 मिनट का टाइम मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ 160 डिग्री सेल्सियस पर। तो गाइज़ 8 मिनट बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। तो कुकीज़ जो है काफ़ी बेक हो चुकी हैं, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा कलर हमें कम लग रहा है। तो इस तरह से आप इनको एक बार फ्लिप कर दीजिए और हम इसको वापस सेम टेम्परेचर पर 2 से 3 मिनट के लिए और बेक कर देते हैं ताकि कलर इसमें अच्छा आए। तो 2 से 3 मिनट बेक करने के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। तो गाइज़ देखिए एकदम परफेक्टली कुकीज़ जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। देखिए परफेक्टली बेक हो चुकी हैं पीछे से भी आगे से भी। अब हम इनको निकाल लेंगे स्टैंड में, इस तरह की बहुत ज़रूरी है। और इनको कम्प्लीट ठंडा कर लीजिए। और गाइज़ अब हम कुकीज़ को बनाएंगे कढ़ाई में। तो सिंपल है उसको बनाना, आप इस तरह का कोई पैन ले लीजिए, उसको प्री हीट कर लीजिए अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए। और इस तरह का स्टैंड रखकर आप एक स्टील की प्लेट रख दीजिए और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लीजिए। और फिर सिंपल आपको बस कुकीज़ रखनी है और इसका लिड लगाकर टाइम यहाँ पर इसको हमें फ्लेम पर रखना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। गाइज इसको आप OTG में 180 डिग्री पर भी बना सकते हैं। 30 टू 40 मिनट में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो देखिए कढ़ाई में जो है कुकीज़ बन चुकी हैं। 30 मिनट बाद मैंने इनको ओपन करके देखा है, परफेक्टली आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा है और क्रिस्पी भी बन चुकी हैं। तो कढ़ाई में भी आप इनको बना सकते हैं बड़े आराम से। और अब हम इनको वापस स्टैंड में रखेंगे जैसे कि हमने एयर फ्रायर से निकाल कर रखी थी। तो गाइज़ ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आप कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिए और आपकी जो कुकीज़ हैं देख लीजिए बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो गाइस चलिए अब करते हैं सर्व। तो जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए तभी आप इनको सर्व करिए। तो गाइस देखिए कितनी बढ़िया कुकीज़ घर पर बनकर तैयार हुई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एकदम हेल्दी तरीके से इसको हमने बनाया है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बाज़ार की बिस्किट एकदम बंद कर दीजिए और घर पर एक हेल्दी तरीके से बनाकर इनको खाइए। तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेंगी और वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेंगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है।
तो एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होती हैं। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। मैं इसको बीच से तोड़ कर दिखाती हूँ, तो बीच का टेक्सचर देखिए बहुत ही गजब का है। तो आप इनको स्टोर कर सकते हैं 8 से 9 दिन फ्रिज में, और 2-3 दिन आप इनको बाहर रख कर भी खा सकते हैं। तो गाइस रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।